आज वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सदन में ही उन्होंने योग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि योग न केवल व्यक्ति को स्वस्थ व निरोगी बनाता है बल्कि उसे अनुशासित भी रखता है। नियमित योग से तन ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। तो भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए हैं, यहां पर वो वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सदन में ही उन्होंने योग किया और योग के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि योग न केवल व्यक्ति को स्वस्थ रखता है बल्कि निरोगी भी रखता है और अनुशासित भी रखता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सदन से ये तस्वीरें आई हैं जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने योग किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ सदन दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होने। दरअसल वो दिल्ली पहुंचे हैं और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सदन में ही योग किया। साथ ही उन्होंने योग के फायदे भी गिनाए। उनका कहना था कि नियमित रूप से योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, इंसान अनुशासित रहता है और निरोगी रहता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लगन के साथ वो यहाँ पर योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और योग करते हुए यहाँ पर नजर आए। छत्तीसगढ़ सदन में उन्होंने योग किया है। इसी मौके पर उन्होंने कुछ फायदे भी गिनाए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश और दुनिया में, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी योग करते नजर आए। उन्होंने योग के तमाम फायदे भी गिनाए हैं। छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने योग किया है, साथ ही उन्होंने योग के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि योग मन को स्वस्थ, इंसान को अनुशासित और निरोगी रखने में बहुत लाभकारी है। छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग किया है। सेहत के साथ साथ कई और फायदे होते हैं योग के, वो तमाम फायदे उन्होंने गिनाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योग करते यहां नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आज वित्त मंत्रियों की बैठक में उन्हें शिरकत करनी है।